आज हम पढ़ने वाले हैं एसिड बेस टाइटेशन के बारे में कि एसिड बेस टाइटेशन होता क्या है। एसिड बेस टाइटेशन, उससे पहले एसिड बेस टाइटेशन क्या होता है इसकी बात हम बाद में करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं कि एसिड क्या होता है, हमारा एसिड क्या है और हमारा बेस क्या है। पहले हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे कि एसिड क्या होता है हमारा और बेस क्या होता है। तो इसके कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं। फर्स्ट वन इज आरहेनियस कॉन्सेप्ट। आरहेनियस कॉन्सेप्ट इसमें क्या, आरहेनियस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या बोलता है, आरहेनियस क्या बोल रहा है कि जो भी हमारा हाइड्रोजन, जो भी हमारा प्रोटॉन डोनेट करता है, इसे हम कहते हैं प्रोटॉन, एच प्लस को क्या कहते हैं प्रोटॉन। जो भी हमारा प्रोटॉन डोनेट करेगा किस कंडीशन में, जो भी हमारा प्रोटॉन डोनेट करेगा इन एक्वस सॉल्यूशन, उसको हम एसिड बोलेंगे। क्या बोलेंगे उसको, एसिड बोलेंगे। जो भी हमारा प्रोटॉन डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में उसे हम बोलते हैं एसिड, ठीक। दूसरी बात, बेसिक बेस किसे बोलेंगे, जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करेगा, जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता है किस सॉल्यूशन में, एक्वस सॉल्यूशन में, उसे हम बोलेंगे बेस। उसे हम क्या बोलेंगे, बेस। अब बात यह है हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, अगर भूल इसको याद करने की टेक्निक क्या है, ए फॉर आरहेनियस और ए फॉर हमारा एक्वस। जहां आरहेनियस की बात होगी वहां आपकी एक्वस की बात होती है, ठीक। तो ऐसे हम याद रखेंगे इस चीज को, बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। जैसे पहले एक दो एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे HCl, ओके, एक्वस सॉल्यूशन में क्या देगा, हमारा हाइड्रोजन डोनेट करेगा, तो ये H3O प्लस हाइड्रोनियम आयन प्लस क्लोराइड आयन, ठीक। ऐसे आपके ऐसी बेसिक का सेकंड एग्जांपल क्या है, बेस किसे बोलेंगे, अगर हमारा कोई बेसिक कंपाउंड जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड, उसको वॉटर के अंदर क्या देगा, हाइड्रोक्सिल आयन, तो हमारा क्या क्या बनेगा, Na पॉजिटिव। तो मींस ये है कि जो हमारा हाइड्रोक्सिल आयन डोनेट करता है वो हमारा क्या बन, उसे क्या कहेंगे हम, बेस, और जो हमारा प्रोटॉन डोनेट करेगा उसे हम बोलेंगे एसिड। बट इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ लिमिटेशन है। तो लिमिटेशंस क्या क्या है, कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे लिमिटेशंस ये है कि अगर कुछ ऐसे बेसिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, कुछ ऐसे बेसिक कंपाउंड्स हैं जिनके पास हाइड्रोक्सिल आयन नहीं है, तो उस केस में हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, वो हाइड्रोक्सिल आयन कैसे डोनेट करेगा। तो इस केस में ये एप्लीकेबल, आपका आरहेनियस कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल नहीं है, ओके। कुछ ऐसी चीजें हैं जहां पे हम सिर्फ नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स भी यूज करते हैं, तो नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए, ये सिर्फ एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए, बट ये नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। तो ये तो इसकी लिमिटेशंस हो गई। अब बात करते हैं सेकंड थ्योरी की। अब हम सेकंड थ्योरी की बात करते हैं। फर्स्ट थ्योरी हमारी थी आरहेनियस, अब सेकंड थ्योरी की बात करेंगे। तो सेकंड थ्योरी है हमारी लोरी एंड ब्रोंस्टेड थ्योरी। ब्रोंस्टेड थ्योरी इसके अंदर क्या चीज है कि जो आपका हाइड्रोजन, जो कंपाउंड आपका हाइड्रोजन मींस प्रोटॉन डोनेट करता है, प्रोटॉन डोनेट करेगा किस कंडीशन में, इन नॉन एक्वस सॉल्यूशन। कौन सॉल्यूशन होगा आपका, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में, उसको हम बोलेंगे एसिड। और जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, जो इस प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे क्या, किस कंडीशन में एक्सेप्ट करेगा, नॉन एक्वस सॉल्वेंट होगा वो, नॉन एक्वस सॉल्यूशन में एक्सेप्ट करेगा उसको हम बोलेंगे बेस, ठीक है। अब नाउ नेक्स्ट वन इज, ये तो हमारी एसिड और बेस की बात होगी लोरी ब्रोंस्टेड के अकॉर्डिंग, कि ये हमारे नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करते हैं, नॉन एक्वस सॉल्वेंट्स की बात करते हैं। इसके अंदर हम कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे
HCl, HCl हो गया, NH4 प्लस HCl क्या डोनेट करेगा आपका, प्रोटॉन डोनेट करेगा, NH4 ये आपका भी प्रोटॉन डोनेट करता है, ये आपका एसिड है, ओके। जब ये प्रोटॉन डोनेट कर देता है, ये एक नया वर्ड आपको मिलेगा जो होगा कॉन्जुगेटेड, जो आपको एक प्रोडक्ट मिलेगा उसको बोलेंगे हम कॉन्जुगेटेड बेस, ये आपका कॉन्जुगेटेड बेस हो गया। कैसे, जब आपका कोई एसिडिक कंपाउंड प्रोटॉन डोनेट करता है तो एक और प्रोडक्ट देता है साथ में, जिसको हम बोलते हैं कॉन्जुगेट बेस। बेस की बात कर रहे थे, जो बेस आपका, जैसे बेस का एग्जाम्पल लेते हैं NH3, ये आपका क्या एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये बनाता है एक प्रोडक्ट आपका NH4+। इससे क्या होगा, ये आपका बेस है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, ठीक है, प्रोटॉन एक्सेप्ट करने के बाद ये आपका बनाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड, ठीक। अब जब भी हम बात करते हैं एसिड बेस स्टैटेशन की, तो इसके अंदर आपके दो प्रोडक्ट बनते हैं, अगर एसिड प्रोटॉन डोनेट कर रहा है तो एक कॉन्जुगेटेड बेस बनाएगा, अगर बेस एक्सेप्ट करेगा तो आपका बनाएगा कॉन्जुगेटेड एसिड। जैसे हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि कौन सी चीज एक रिएक्शन के दौरान कैसी चीज क्या बनती है। जैसे आपका एसिड है, ये आपका बेस, ओके। तो एसिड जब डोनेट करेगा वो बनाता है आपका बेस, और जब बेस एक्सेप्ट करता है वो बनाता है एसिड। किस टाइप का एसिड और बेस बनाएगा, एसिड जब डोनेट करेगा वो बनाएगा कॉन्जुगेटेड बेस, वहीं जब बेस एक्सेप्ट करेगा वो किस टाइप का एसिड बनाएगा, कॉन्जुगेटेड एसिड्स, ओके। तो ये रिएक्शंस आपकी, जब एसिड बेस थ्योरी इसकी बात करते हैं, एसिड जब आपका प्रोटॉन डोनेट करेगा तो वो बनाएगा आपका कॉन्जुगेट बेस, वहीं बेस जब एसिड प्रोटॉन एक्सेप्ट करता है वो क्या बनाता है, कॉन्जुगेटेड एसिड बनाता है। तो ये हमारी कुछ बात थी कि कॉन्जुगेट एसिड, लॉरी ब्रोंस्टेड कॉन्सेप्ट क्या होता है, आपका RNS कॉन्सेप्ट क्या है। तो ये आपके टाइटेशन, एसिड बेस टाइटेशन के अंदर की बातें थी। इसके नेक्स्ट क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं कि एसिड और बेस टाइटेशन के बारे में, एसिड बेस टाइटेशन होता क्या है। इसके अंदर हम कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे, जैसे हम कवर करने वाले हैं इसके अंदर कि एल्केलीमेट्री क्या होता है, एल्केलीमेट्री, एसिडीमेट्री, कुछ थ्योरीज ऑफ एसिड बेस इंडिकेटर्स, ओके, एंड कुछ एसिड बेस इंडिकेटर्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियोस में कवर करने वाले हैं। थैंक यू सो मच।